ਆਇਆ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਉਰਫ ਗੁਰਰਾੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਰਬੜ ਹਨ ਟੈਂਕੀ ਰਬੜ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਰਬੜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਰਬੜ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 30 ਤੋਂ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬੀਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 700 ਤੋਂ 800 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਬੜ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਬੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे सब उम्मीद है कि ठीक होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। अच्छा दोस्तों आज इस बाइक के हमने टैंकी के जो रबड़ हैं ये चेंज करने हैं। सबसे पहले हमने इसकी जो सीट है ये खोलनी है। एक तरफ से हमने इसका जो बोल्ट था वो खोल लिया है और दूसरी तरफ से खोल रहे हैं। ये 12 नंबर 2 बोल्ट लगे होते हैं इस सीट को, ये खोल कर इसकी सीट उतार लेनी है। सीट उतारने के बाद इसके जो दोनों टापे लगे हुए हैं ये भी उतार लेने हैं, ठीक है। तो ये दोनों टापे उतार कर साइड पर रख देंगे। इसके बाद हमने इसकी जो फ्यूल टैंक है यानी कि टैंकी, इसका जो पीछे एक बोल्ट लगा होता है 12 नंबर, ये खोल कर साइड पर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसके एक पीछे भी रबर लगी होती तो ये इसकी बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पर देखें यहाँ पर इसका पेट्रोल पैप लगा हुआ है, ये भी उतार लेना, ठीक है। इसके बाद फाइनल हमने यहाँ पर देखें ये फ्यूल टैंक उतार कर साइड पर रख दिया है और ये देखें जी इसके यहाँ पर लगे होते हैं रबड़, ठीक है। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर देखें ये बिल्कुल खोले हो चुके हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखें ये 2 रबड़ हैं जी हमारे पास, ये लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये मैं इसको लगा रहा हूँ टैंकी रबड़, तो ये देखें ये बहुत ही हार्ड जा रहा है इसके, तो इसको हार्ड ही होना चाहिए क्योंकि जो खोले हो जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं उसकी वजह से वाइब्रेशन करती, ठीक है। तो ये देखें ये बहुत ही हार्ड जा रहा है रबड़, ठीक है। तो ये दोनों रबड़ मैंने लगा दिए हैं, अभी फ्यूल टैंक लगाना है इसके ऊपर। इसके से पहले यानी कि इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से इसके फ्रेम को। अभी यहाँ पर देखें ये फ्यूल टैंक मैं लगाने लगा हूँ, तो यहाँ पर देखें ये इस चीज़ को आपने तवज्जो से देखना है, ज़रा ज़ूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये रबड़ के ऊपर बिल्कुल ऊपर सीधा आना चाहिए फ्यूल टैंक को, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल सीधा रख के इसको पीछे से आपने दबाना है। यहाँ पर देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी बैक साइड को आगे को आपने प्रेस करना है। अभी ये फ्यूल टैंक बिल्कुल सीधा लग चुका है तो इसका ऊपर मैं इसका बोल्ट जो है वो लगा देता हूँ। इसके बाद इसके दोनों जो साइड के टापे हैं वो भी लगा देते हैं जी। ये दोनों टापे लगाने के बाद इसकी सीट लगा देंगे और ये मुकम्मल हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया।